अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये मैंने पहले से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो भी आप लोगों को आई थिंक आ गई होगी यूट्यूब पे, मैंने अपलोड कर दिया होगी, अगर नहीं की तो सॉरी। इसके बाद में एज सुन एज पॉसिबल मैं अपलोड कर दूंगा, अभी शायद हो सकता है एडिटिंग प्रोसेस में चल रही हो। तो फिलहाल ये मैं वीडियो उसके फ़ौरन बाद में आ रहा हूँ। और ये जो वीडियो है इसमें हम जाके गाड़ियाँ देखेंगे और मैं वहाँ से एक गाड़ी लूँगा और यहाँ पर ला के गैराज में उसे हम फ्लेम चेक करें कितने कमाल के हैं। उस गाड़ी को हम यहाँ पे ला के फुली मॉडिफाई करेंगे, उसका इंजन स्वाप करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो डीलरशिप में लगा लेता हूँ पहले डीलरशिप। अच्छा, इसमें एक बात है कि टोयोटा की कोई गाड़ियाँ नहीं है इसमें, हालांकि टोयोटा के पास सुपरा भी है जो नहीं निकली अभी, वो नहीं है इसमें। पता नहीं नीड फॉर स्पीड है टोयोटा की। अच्छा, नीड फॉर स्पीड में ना दो तीन बातें ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जिस तरह के अब नीड फॉर स्पीड में आपको उसकी स्टीयरिंग व्हील की वो नहीं मिलती स्पोर्ट, होनी चाहिए। रेसिंग गेम है, इतनी कमाल की गेम है, लेकिन नहीं मिलती, तो फिर हमें कीबोर्ड से गुजारा करना पड़ता है। कंट्रोलर की मिल जाती है, लेकिन कंट्रोलर पर इतना मज़ा नहीं आता मुझे। लगा के देखूंगा कंट्रोलर भी। ये आ गई सामने डीलरशिप, तो डीलरशिप में एंटर करते हैं। और पहले तो हमें मिलती है वॉक्सवैगन की बीटल 63, काफ़ी पुरानी गाड़ी है ये वाली। और ये सारी जो है ना, ये अमेरिकन वगैरह गाड़ियाँ हैं। ये मिली है निसान की GTR, इसे ख़रीद लेते हैं। ये मुझे चाहिए थी, गैराज में भेजनी है ये। इसको फुल हम वो बनाएंगे गाड़ी, फुल रेस वाली गाड़ी भी। इसके स्टॉक वास चेक कर लें आप, स्टॉक लुक चेक कर लें। मैं इसकी तस्वीर खींच लेता हूँ, बाद में कंपैरिजन करेंगे।
तो बारिश हो रही है और साइड से भी देख लें आप लोग गाड़ी, तो अभी मैं आपको उसकी आवाज़ चेक करा देता हूँ। तो गाड़ी का जो भी करंट रेट है ना वो 111 है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा लेवल के साथ। तो अभी लेके चलते हैं, और ये फुल स्ट्रोक गाड़ी है, आई थिंक इसमें सिर्फ वो लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ, बस नाइट्रो उसकी किट लगी हुई है, बाकी ये फुल स्टॉक गाड़ी है। तो अभी हम पहले जाएंगे इधर पार्ट शॉप जाएंगे, जाकर पार्ट्स खरीदते हैं इसके। होंडा की सिविक ऐसी गाड़ी है कि इसको जितना मर्जी आप अपग्रेड कर लो ना, ये फिर भी कहती है आंदे हो और आंदे हो और। इसका जो अभी मैं बताता हूँ आपको, जो इसका इंजन है वो क्रैंक शाफ्ट इंजन का स्टॉक में है, ईसीयू भी स्टॉक है, कूलिंग भी स्टॉक है, सारी चीज़ें स्टॉक हैं, बस ये एक नाइट्रो सिस्टम जो स्पोर्ट्स का लगा हुआ है। बाकी इसका जो क्लच है वो भी प्रो लगा हुआ है, उसके बाद गियरबॉक्स सुपर लगा हुआ है, बाकी सारा कुछ वो है, बाकी सारा कुछ जो इसका ना स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, मेरा ख्याल है कि पहले हम चलते हैं गैराज, ताकि जाके हम इसका पहले इंजन चेक कर लें कि इंजन कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि इसमें इंजन स्वाप भी कर सकते हैं हम गाड़ी का। टॉप स्पीड अगर मैं आपने चेक करनी है तो मैं कुछ साथ चेक कराया था, तो ये देख सकते हैं आप लोग इसकी टॉप स्पीड आ रही है 222 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हम इसको कर देते हैं बैक, तो हम चलते हैं। सिविक की वैसे लुक बहुत कमाल की है, इसमें सिविक वो वाली नहीं, रिबॉन या वो कोई और सिविक नहीं है, सिर्फ इसमें ये वाली है। तो एंटर हो गई गाड़ी अंदर, गैराज के अंदर एंटर हो गई है। Oh, how'd you afford this machine? You've been holding out on me? Just kidding. तो अब यहाँ पर आके हम स्वाप इंजन चेक करते हैं। अभी ये वाला है, उसके बाद अगर हम ये वाला इंजन लेते हैं जिसकी फुल हैवी इंजन डलवाना है बीच में, अच्छा जी। अब मैं इन दो इंजनों के अंदर कंफ्यूज हूँ, एक है 3 लीटर का और एक है 2.9 लीटर का, लेकिन इसकी जो BHP है वो ज़्यादा है, हॉर्स पावर ज़्यादा है, तो हम ये लेते हैं। और उसका भी मज़े की बात है, और भी अपग्रेड हो सकता है ये इंजन। क्रैंकशाफ्ट मैंने ले लिया है, ई लाइट प्लस ले लिया है, इसी भी फुल अपग्रेड कर देना, मैंने कूलिंग सिस्टम भी फुल अपग्रेड कर देना, बस आप ये नंबर देखते रहे ऊपर, ये अभी 3325 है। एग्जॉस्ट भी फुल अपग्रेड कर दिया, सुपर चार्जर लगा लिए बीच में, नाइट्रो भी फुल अपग्रेड कर देना है, सस्पेंशन में लगा देनी है इसको, ये बोली ट्रैक सस्पेंशन, ब्रेक्स की फुल अपग्रेड कर देनी है, बहुत कमाल की गाड़ी हो जाएगी ये। ट्रैक टायर लगाने हैं इसको, ट्रैक के अंदर जो टायर होते हैं, ड्रैग लगा लेते हैं, ड्रैग रेस बनाते हैं पूरी इसको, ड्रैग कार बनाते हैं। क्लच भी इसमें मैंने लगा दिया ऊपर, और देखें 400 के करीब पॉइंट का नंबर, फाइव स्पीड फोर स्पीड कर देते हैं,
अब मैंने इसमें लगाना है नाइट्रोस किट, लगानी है नाइट्रोस रिफिल वाली, और यहाँ पे मैंने एक लगाना है ये जो होता है ये रेडार, तकरीबन 389 इसकी रैंक हो गई गाड़ी का। और अभी गाड़ी के ऊपर बॉडी कस्टमाइजेशन करते हैं। ये लगा लेते हैं, वाइट बॉडी बनाते हैं गाड़ी को। ये थोड़ा ओवर होगा, ये लगा लेते हैं होंडा का। स्प्लिटर भी लगा लेते हैं नीचे। ये लगा लेते हैं, हुड भी चेक कर लेते हैं। हुड स्ट्रोक ही रहने देते हैं। लाइट चेक कर लेते हैं, लाइटें कौन कौन सी हैं। लाइटें OEM ही रहने देते हैं हम। OEM साइड स्कर्ट्स जो है ये लगा देते हैं, ये ज़रा अच्छी लग रही है वाइट बॉडी किट के साथ। फेंडर एक गियर, रियर फेंडर में सिर्फ एक ही चीज़ है। टेल लाइट्स चेक कर लेते हैं, ये लगा देते हैं, क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही हैं टेल लाइट्स। डिफ्यूज़र को रहने देते हैं, पहले बम्पर चेक कर लेते हैं। और बम्पर है ही नहीं इसका, चलिए फिर डिफ्यूज़र ही लगा लेते हैं। ये लगा लेते हैं, और एग्जॉस्ट में हम देख लेते हैं कौन कौन सी ऑप्शन हैं। ये बहुत, ये लगा लेते हैं, जो दो जो ऊपर उठते हैं ना वो बहुत ओवर हो जाते हैं। स्पॉइलर देख लेते हैं, ये लगा लेते हैं। लाइसेंस प्लेट में हम लगा लेते हैं नीड फॉर स्पीड हीट का लगा लेते हैं, पिछला बैकग्राउंड। और बाकी टायर देख लेते हैं, होंडा के टायर अपने भी होते हैं। जो मेरी सिविक के अंदर लगे हैं ना टायर, वो बहुत कमाल के टायर लगे हैं होंडा के। नहीं इधर आ ही नहीं रहे। ये लगा लेते हैं, ज़रा ड्रैग कार बनानी है हमने इसलिए, और पेंट जो है बाद में कर लेंगे अगले टायरों के ऊपर। सिंस ये ड्रैग कार होती है, ड्रैग कार के जो टायर होते हैं ना वो थोड़े मोटे होते हैं, लो प्रोफाइल नहीं होते। ज़रा ब्रिम्बोज लगा ली है इसके अंदर मैंने, और ब्रेक डिस्क जो है वो वेंटिलेटेड ब्रेक डिस्क लगा ली है। टायर हम लगा लेते हैं टोयो टायर्स के, फॉल्कन के भी हैं नहीं, टोयो टायर्स लगा लेते हैं ये बोले।
अब पेंट और रैप की तरफ जाते हैं, तो पेंट देख लेते हैं कौन सा करना है। मेरा तो ख्याल है कि हम मेटालिक कर लेते हैं। ये कर लेते हैं और पिछली विंडो पर हमने झंडा लगाना है पाकिस्तान का। अच्छा मुझे इसमें एक बार बड़ी अच्छी लगी, इसमें पाकिस्तान का झंडा है पिछली जो था, आई थिंक करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, तो जो पिछली गेम थी ना नीड फॉर स्पीड पे बैक, उसमें पाकिस्तान का झंडा नहीं था, यह शायद था। इफेक्ट्स में हमने ना टायर स्पोक लगाना है, हमने एयर सस्पेंशन लगानी है गाड़ी की, जो मुझे बहुत पसंद है। हॉर्न भी चेंज नहीं करना, उसके बाद उसकी जो हाइट है ना वो लेस करनी है, और इसको भी रहने देते हैं, सेटिंग को भी रहने देते हैं, क्योंकि आगे गाड़ी बहुत नीचे होगी तो टायर थोड़े निकल आए बाहर। अब जो है ना मजे की बात, वो देख लेते हैं इसकी आवाज़। या मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगाऊँ, फिलहाल गाड़ी की आवाज़ ये है। अब मैं इसे बनाऊंगा फुल अग्रेसिव। तो गाड़ी की आवाज हो गई है और गाड़ी फाइनली फुली तैयार हो गई है। ये गाड़ी की लुक है। गाड़ी उड़ रही है, मैं कुछ सीधी सड़क देखता हूँ कोई है इस गेम के अंदर। इधर चलते हैं बल्कि रेस ट्रैक पर जाके चेक करते हैं गाड़ी कितनी गाड़ी मारती है, अपना टॉप स्पीड कितनी गाड़ी की। गाड़ी बहुत कमाल हो गई, उड़ी गाड़ी पूरी। तो अब यहाँ पे हम गाड़ी की स्पीड चेक करते हैं। टॉप स्पीड चेक करते हैं गाड़ी की।
300 तक चली गई है आराम से। मैं कहूँगा 300 टॉप स्पीड है इसकी, और बैरल भी चेक कर लेते हैं। थोड़ी बारिश पर इसे स्लिपरी था यहाँ पे ना, इसका जो वो है ना लाइफ ट्यूनिंग में पता चल रहा था। इसकी जो टॉप स्पीड है वो आप लोग देख सकते हैं सामने कितना लिखा हुआ है, 371 किलोमीटर पर आवर की इसकी जो स्पीड है टॉप स्पीड। अब मेरे से तो नहीं इतनी चलाई जा रही गाड़ी इस स्पीड के ऊपर, तो यहाँ से निकलते हैं। जंप मारनी है यहाँ सामने सामने, पाकिस्तान का झंडा बहुत कमाल का लग रहा है पीछे। सब चलते हैं गिरार में फाइनली, और सूर्य को खत्म करता हूँ मैं, बल्कि पेट्रोल पंप पे खत्म कर लेते हैं। मैं ठोकता बहुत हूँ गाड़ियाँ। अब मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूँ, एयर सस्पेंशन, और गाड़ी खुद ही डाउन हो गई है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी, इंशाल्लाह ताला मिलता हूँ मैं आप सब अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस होंडा सिविक को बहुत सारे लाइक दीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़। कसम खुदा की मैं जो वीडियोज़